हेलो वियर्स, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें न समझें तो उन्हें समझाना छोड़ दो। इंसान जैसा सोचता रहता है वैसा ही वो बना रहता है। जज्बात अलग हैं पर बात तो एक है, उसे माँ कहूँ या भगवान, बात तो एक है। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है जो आपके होने का मूल्य ही ना जानते हों। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता, दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। मेरे सतगुरु जी, मैं गिरूंगा तुम्हें उठाना पड़ेगा, उठा के अपने जिगर से लगाना पड़ेगा। माना कि इस काबिल नहीं हूं मैं, मगर इस काबिल तुम्हें बनाना पड़ेगा। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती कि समुंदर कहाँ है। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही राह बताना है, हुकूमत करना नहीं। विचारों को बदलने से भी नया दिन निकलता है, सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहिए। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था अपने पुत्र के साथ। आरती का समय हो गया था। उस व्यक्ति ने देखा कि मैं जब आरती गा रहा था तो मेरा पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा था। बाहर आके उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं, तुम क्या गा रहे थे? पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैंने तो कैखे घैघैड़े सब 5 बार सुना दिया प्रभु जी को और कहा कि इन शब्दों से अपने आप प्रार्थना बना लो। पिता की आंखें भर आई। दुनिया दिखावा देखती है नियत नहीं, प्रभु नियत देखते हैं दिखावा नहीं। कभी कभी कुदरत जान बूझ कर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करो कि ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन कलेजे में आंधी जरूर होनी चाहिए। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। इंसान का शरीर सुंदर हो ना हो, पर जुबान से निकले शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं। तकलीफों का एक ही लक्ष्य है, वह इंसान को ऊपर उठाती है। क्रोध में बोला गया एक जहरीला शब्द आपकी हजारों मीठी बातों को नष्ट कर सकता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। मुश्किलें दिल के इरादे अजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दोस्त बेशक एक हो, लेकिन ऐसा हो जो अल्फाज से ज्यादा खामोशी को समझे। अजीब कर दिया माहौल इन हालातों ने, पहले मुलाकात संभव थी तब फुर्सत न थी, अब फुर्सत है तो मुलाकात संभव नहीं। स्वयं को तनाव और परेशानियों से मुक्त करने का सहज तरीका है, खुद को खुदा से जोड़ दो, बाकी सब उस पे छोड़ दो। फर्क होता है अकेले रहने में और अकेले हो जाने में। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। सबको साथ रखने की ताकत प्रेम में है, और सबको अलग करने की ताकत भ्रम में है। भगवान की याद में इतने बिजी रहो कि खुशियों की लाइन लगी रहे। दुख आना भी चाहे तो उसे यही सुनाई दे कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं।
व्यूअर्स डोंट फॉरगेट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।